हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे, मतलब ह्यूमन की जो बिहेवियर है उसके उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो एनवायरनमेंट है उसका हमारे परसेप्शन पे, इमोशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, हमारे ऑक्यूपेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन आज जो है वो उल्टा डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा भी कुछ इफेक्ट होता है जो एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है। हमने जो भी अपने जो लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो भी चीजें इन्वेंट करी हैं, जो भी चेंजेस किए हैं एनवायरनमेंट में, उसका भी एक इफेक्ट होता है जो एनवायरनमेंट के साथ साथ घूम फिर के हमारे ऊपर वापस आता है, और वो ज्यादा पॉजिटिव से कम ज्यादा नेगेटिव ज्यादा होता जा रहा है। तो वो क्या सब है वो देखते हैं। पहले तो ये कि फुलफिलिंग नीड्स करने के लिए हमने, और जो भी अपने काम है उनको शॉर्ट करने के लिए, जल्दी करने के लिए बहुत सारी चीजें नई नई इन्वेंट की है, बहुत टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी है, और बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करे हैं, जैसे कि आपका एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन, ताकि हम अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा इजी कर सके, हमारा टाइम कम लगे काम करने में, हमारा काम आसान हो, वर्क सिंप्लीफाई हो हमारा। अपने काम को इजी करने के लिए हमने काफी सारी चीजें जो है नई यूज करनी शुरू करी, बनाई, और अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए जैसे हाउसेस बनाने शुरू करे। हाउसेस के लिए पहले वो वुड का यूज करा, उसके बाद कंक्रीट सीमेंट वगैरह धीरे धीरे यूज करते रहे, उसके बाद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आ गए। अब इन सब चीजों में क्या हुआ, एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, क्योंकि हम सारी चीजें तो एनवायरनमेंट से ही ले रहे थे। अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में से क्या होता है, सीएफसी गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और वो गैस क्या होती है, हमारे लिए बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है। उसके बाद स्मोकिंग हैबिट्स, अब हमारी हैबिट्स भी कुछ ऐसी डेवलप होती गई साथ साथ, क्योंकि जैसे जैसे हमारी लाइफ स्ट्रेसफुल होती गई, और ज्यादा मतलब इजी होनी चाहिए थी लेकिन उल्टा और ज्यादा स्ट्रेसफुल होती जा रही थी, तो उस वजह से हैबिट्स भी लोगों की थोड़ी थोड़ी ऐसी होती गई कि जिस जो स्ट्रेस को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे तो स्मोकिंग करके, या कुछ ऐसी आदतें जिससे उनको लगता था कि उनका स्ट्रेस कंट्रोल हो रहा है, तो वो सब भी तो एनवायरनमेंट को ही खराब कर रहा था। हम लोग अपने बारे में तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले क्या है, पहली चीज क्या है कि एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था इन सब चीजों का, जो भी हम अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे उसको अच्छा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक का यूज, जैसे तो बहुत बड़ा इशू आजकल बन चुका है, प्लास्टिक का यूज जो होता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है, इतना ज्यादा एनवायरनमेंट को खराब करने में बहुत ज्यादा उसका जो है इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब चीजें हमने करी, अब क्या हुआ, इसका क्या रिजल्ट हुआ, इससे जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट में कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ये सब चलता था, जो हमारे वेदर सीजन चेंज होते थे नेचुरल तरीके से हर साल, वो सब चीजें चेंज होने लग गई, गर्मी का टेम्परेचर और बढ़ने लग गया, जैसे जैसे हमने एसीज वगैरह इन्वेंट किए अपने आपको गर्मी से बचाने के लिए, उल्टा उनकी वजह से जो गैसेस निकलती थी उससे टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ने लग गया। तो मतलब एनवायरनमेंट को जैसे ही हमने चेंज करना शुरू किया है, हमारी जो कुछ भी इन्वेंशन थी या हमारी आदतों की वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर जैसे ही असर हुआ, वो घूम फिर के हमारे ऊपर ही आने लग गया, ठीक है, क्योंकि हम भी तो एनवायरनमेंट का ही पार्ट है ना। अगर हम लोग यहाँ पे है तो एनवायरनमेंट पूरा हमारे आसपास है, अगर हम कोशिश करेंगे एनवायरनमेंट को चेंज करने की तो वो वापिस हमारे ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। वाटर साइकिल चेंज हो गया, उसकी वजह से रेनफॉल का पैटर्न चेंज होना शुरू हो गया, बारिश कहीं पे बहुत ज्यादा फ्लड आ रहे हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है, वो सब चीजें होने लग गई हैं। अब क्या है, हमने जो भी किया था हमने किस लिए किया था, हमने सोचा था कि हम अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा एडवांस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी लाइफ की क्वालिटी को, हम अपने लिए बहुत आसान कर रहे हैं सारी चीजें करना। लेकिन फाइनली क्या हुआ, हमने धीरे धीरे देखा कि उसका जो नेगेटिव साइड है ना वो भी हमारे ऊपर आ रही है, वो बहुत ज्यादा है। पॉजिटिव साइज बहुत कम है लेकिन जो नेगेटिविटी है ना उसका साइज बहुत ज्यादा है। और उससे क्या हुआ, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो धीरे धीरे अब डिक्रीज होती जा रही है। हमने पहले स्टार्टिंग में कुछ बैलेंस वे में करा, थोड़ा बहुत था तब ठीक था, लेकिन जब बहुत ज्यादा लिमिट से बाहर हो गया तो उसका जो नेगेटिविटी हमारे ऊपर अब इतनी ज्यादा हो गई कि धीरे 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 हमारी जो एनवायरमेंट है वो खराब हो रहा है, और क्योंकि हम उसी एनवायरमेंट का पार्ट है हमारी लाइफ और ज्यादा उसकी वजह से खराब हो रही है, ठीक है। अब जैसे इसी का एक एग्जांपल हमने यहाँ पे नॉइज लिया है, पॉल्यूशन लिया, इसके बाद हम क्राउडिंग डिस्कस करेंगे, नेचुरल डिजास्टर्स डिस्कस करेंगे। तो नॉइज क्या है, नॉइज एक तरह का, जनरली अगर हम नॉइज देखें तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉइज हर जगह होती है,
बट अगर वही चीज हमने लिमिट से बाहर कर दी है तो उसको हम फिर पॉल्यूशन की तरह बोलते हैं। कोई भी चीज अगर लिमिट से ज्यादा हो जाए तो वो पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। अब नॉइस पॉल्यूशन में क्या है, नॉइस की अगर इंटेंसिटी आप कंट्रोल कर सकते हो, नॉइस की इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हो तब ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाए तो वो पॉल्यूशन हो जाता है। ऐसे ही प्रिडिक्टेबिलिटी, अगर आपको पता हो कि कब नॉइस आनी है कब नहीं आनी है, तो प्रिडिक्टेबिलिटी भी अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर अनप्रिडिक्टेबल हो जाए, आपको पता ना चले अचानक से कब नॉइज आ रही है कब नहीं आ रही, तो वो फिर पॉल्यूशन हो जाता है। कंट्रोलेबिलिटी मतलब आप नॉइज की वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। अगर ये सब चीजें आपके हाथ में नहीं है तो क्या होता है, आपका बहुत ज्यादा हियरिंग लॉस भी हो सकता है इस वजह से, या फिर आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर भी डिक्रीज हो सकती है, आपकी मेमोरी लॉस हो सकता है, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लग जाता है क्योंकि जब ये पॉल्यूशन बन जाता है। अब इसमें कैसे होता है, जैसे सपोज आप कोई काम कर रहे हो जो बहुत ही सिंपल सा काम है जिसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है, सिंपल सा प्लस माइनस कर रहे हो या कोई चीज इधर से उठा के उधर रख रहे हो या कुछ साफ कर रहे हो, उसमें आपको नॉइज जो है ना वो पॉल्यूशन की तरह नहीं लगता है क्योंकि वहां पे आपको नॉइज डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो नॉइज होता भी है तो हम उससे अडेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे हमें नॉइज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जब टास्क इंटरेस्टिंग या बहुत ज्यादा आपको बहुत अच्छा लग रहा है कोई टास्क करना, आपका मन पूरा टास्क में लगा हुआ है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको कोई बुला रहा है, जैसे सपोज आप कभी वीडियो गेम खेलते हो, आपके आसपास कितना भी शोर हो रहा होता है आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका ध्यान पूरा उसमें होता है, या फिर आप मोबाइल पर चैटिंग करते हो तो भी। तो अगर टास्क बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो भी हम लोग अडाप्ट कर लेते हैं नॉइज पे, लेकिन अगर नॉइज इंटरवल में आ रहा हो, बार बार रुक के नॉइज आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, अचानक से आवाज आ रही है जोर से, फिर बहुत देर तक शांति है, आप वापिस अपने काम में लगे फिर अचानक से आवाज आ रही है, इंटरवल में अगर आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। इससे तो अच्छा है कि आपको पता है कि कितनी देर में बार बार आवाज आएगी, उससे क्या होता है, उससे हमारा माइंड एडजस्ट हो जाता है कि अच्छा अभी इतनी देर में आवाज आएगी, तो हमारा माइंड प्रिपेयर रहता है उसको सुनने के लिए। लेकिन जहां पे हमें नहीं पता कि कितनी देर बाद, आप सपोज कोई छोटी सी नॉइज की बात कर लो, सपोज आपके साइड वाले घर में कोई काम हो रहा है और कोई हथौड़े से मार रहा है कुछ, आप अपना पढ़ रहे हो या कोई काम कर रहे हो और वो अचानक से आती है फिर नहीं आती, फिर अचानक से आती है और आपको ये नहीं पता कब आ जाएगी, तो उससे आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है। उससे बेटर है कि आपको आइडिया हो कि इतनी इतनी देर में, जैसे स्कूल में बेल बजती है, उससे मेडिटेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि हमें पता है कि इतनी देर बाद बजेगी, इतनी देर बाद बजेगी, ठीक है। उसके बाद है नॉइज कॉजेज अनॉयंस, क्या होता है फिर नॉइज ऐसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब जब करने लग जाती है हमें, तो हमें गुस्सा आने लगता है, हमारे इमोशनल इफेक्ट्स चेंज, हमारे उसमें इमोशनल इफेक्ट होता है, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है कभी कभी हमारे, जैसे रात को नॉइज वगैरह बहुत ज्यादा शादियों में अगर शोर म्यूजिक लगा हो तो हमारी स्लीप में डिस्टर्बेंस होने लग जाती है, कहीं किसी साथ वाले घर में कोई जोर से कुछ सुन रहा है उसकी आवाज आती है तो हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है। तो ये सब चीजें फिर पॉल्यूशन में आ जाती है जब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे ही और भी पॉल्यूशन है, जैसे कि एयर वाटर और सॉइल पॉल्यूशन है, जो बहुत ज्यादा आजकल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो हम घरों से अपना गार्बेज निकालते हैं बाहर, या फिर इंडस्ट्री से जो इतना सारा सारा गार्बेज बाहर निकलता है, धुएं की फॉर्म में निकलता है तो वो एयर पॉल्यूशन करता है, पानी में सीवेज में निकलता है तो वो वाटर पॉल्यूशन भी करता है, सॉइल पॉल्यूशन भी करता है। तो ये सब चीजें क्या कर रही है, आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज कर रही है, आपके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है, इमोशनल इफेक्ट हो रहा है, फिजिकल तो हो ही रहा है, उसका तो कोई वो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है कि फिजिकली हमारे ऊपर इफेक्ट हो रहा है, लेकिन हमारे की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा उससे डिक्रीज हो रही है क्योंकि नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट इफेक्ट करता है, हमारा इंटरेस्ट जो है उस जॉब में, सपोज आप कोई काम करने जाते हो अगर उसके आसपास का एरिया पूरा गार्बेज है, आपको बहुत ज्यादा गंदे एरिया से क्रॉस करके जाना पड़ता है रोज रोज, तो क्या होगा, आपका मन नहीं करेगा उस जगह पे जाने का। आपका घर हो या जहाँ पे भी आप बैठ के काम करते हो उसके आसपास ही बहुत कूड़ा है या कुछ है, तो आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा वहां बैठने का, तो आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जॉब इंटरेस्ट कम हो जाएगा उस जगह में, एंग्जाइटी गुस्सा आएगा आपको ज्यादा, इतना आसपास अगर आपको ज्यादा गंद दिखेगा फैला हुआ तो आपको गुस्सा ज्यादा आएगा उस चीज को देख के, तो ये इमोशनल इफेक्ट हो रहे हैं आपके ऊपर, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहे हैं पॉल्यूशन के। टेंशन होगी आपको क्योंकि आपको लगेगा कि आप काम नहीं कर पा रहे हो ढंग से, आपका ध्यान दूसरी चीजों पर ज्यादा जा रहा है, आपके आसपास सफाई नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाएगी, तो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा।
एग्जाम्पल जैसे आपकी बुक में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि भोपाल ट्रेजेडी जब हुई थी 1984 में, तो वहां पे गैस रिलीज हो गई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको MIC भी बोलते हैं। इसकी वजह से आपको पता है कितनी पॉइजनस गैस थी, कितने ज्यादा लॉस हुआ था लोगों का। अभी भी उनकी कुछ लोग ऐसे हैं जो बच गए थे, लेकिन उनकी मेमोरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है, कॉन्सेंट्रेशन अवेयरनेस, मतलब उनकी नर्वस सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट किया है इस गैस ने। और जो आपके आसपास लोग टोबैको खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और ये तो आपको पता ही होगा कि जो ये चीजें नहीं करता उसके ऊपर इसका इफेक्ट ज्यादा होता है अगर वो उसके साथ रहे जो कर रहा है। मतलब जो पैसिव स्मोकर होते हैं, जिनके ऊपर पैसिवली धुआं आ रहा है, जो कर रहा है स्मोकिंग, उसका तो खराब हो ही रहा है, साथ में अगर उसका कोई साथ में खड़ा है जिसको उसका धुआं जा रहा है, उसको तो ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी तो बिल्कुल ही अडेप्ट नहीं है उस धुएं को लेके, है ना। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा हमारी हेल्थ पे इफेक्ट कर रही है। तो ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट नेगेटिव है, लेकिन फाइनली उसका घूम फिर के इन्फ्लुएंस किसके ऊपर आ रहा है, वापस हमारे ऊपर आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ऐसे ही इन्फ्लुएंस और चीजों का भी होता है, जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे क्राउडिंग हो गया और बहुत सारी चीजें, तो आगे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।